बाड़मेर जिले के बालोतरा में कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने राशन डीलर को पर्याप्त राशन दिया है। दूसरी ओर सच्चाई यह है कि राशन डीलर किसी न किसी तरह से अपना फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पचपर्दा के एक डीलर ने राशन दर्पण सॉफ्टवेयर से 27 मार्च को किसी और के नाम से राशन सामग्री उठाकर फर्जीवाड़ा किया है। ये मामला पचपर्दा गाँव का है। यहाँ के उस डीलर ने उप सरपंच राकेश कुमार जैन के नाम का 1 क्विंटल 80 किलो गेहूं डकार लिया। इसकी शिकायत राकेश कुमार जैन ने जिला रसद अधिकारी को की और उचित कार्रवाई की मांग की। शिकायत में बताया गया है कि वह खुद संपन्न परिवार से है और आज तक राशन की दुकान से कोई सामान नहीं लिया है। इसके बाद भी मेरे नाम से डीलर ने गेहूं उठा लिया है। जानकारी यह भी है कि राशन डीलर ने बीते सालों में इस तरह की हेराफेरी की है। इसकी जानकारी नहीं है, बाकी मेरे परिवार से हमने कभी राशन का सामान नहीं उठाया। 20-22 साल से मैं पचपदरा में रह रहा हूँ। आपने आज दिन तक नहीं उठाया? नहीं, मैंने अपने लाइफ में ना मेरे परिवार में से कभी किसी ने उठाया, ना मैंने उठाया ना परिवार में से। आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, मैं जो है तो आज जानकारी मिली कि भाई मेरे नाम से लोग गेहूँ उठा रहे हैं। तो यार, हम लोग तो सोशल वर्क करते हैं और हम लोग अगर संपन्न परिवार अगर गरीब लोगों का हक छीन लेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। देखी जाए कि आज कोरोना जैसी गंभीर महामारी चल रही है, गरीब लोग ऐसे हैं जिनके नाम खाते सुरक्षा में नहीं है और जो इस तरीके से ये हो रहा है, तो फिर आपने इसको लेके कहीं अधिकारियों को बताया? मुझे आज जानकारी मिली है तो मेरा यही है कि भाई मैं ये पहले तो इस बेसिक चीज़ को समझता हूँ कि भाई कौन राशन डीलर इस चीज़ को उठा रहा है और मेरे नाम से कब से गेहूँ उठ रहे हैं। तो मुझे इसकी पूरी जानकारी लेके मैं उसकी FIR दर्ज करवाऊंगा पुलिस स्टेशन जाकर। उसकी FIR